नमस्कार, फर्स्ट एड में आपका स्वागत है। दिल्ली स्टूडियो से मैं हूं मिहिर और मैं हूं डिम्पी कालरा। तो खबरों का फ्लो काफी ज्यादा है, लंबी छुट्टी है, लेकिन लंबा छुट्टी से ठीक पहले काफी बड़ी खबरें भी बाजार के अंदर आई और भारतीय एयरटेल को लेकर अभी जो खबर आई है कि टेलीनॉर को खरीद रही है, उसका इम्पैक्ट फिर से टेलीकॉम को पूरी तरह से बस दे रहा है। आज आइडिया को लेकर भी खबर आ जाए, हो सकता आ जाए कुछ एक दिनों में और एक दो दिन में, हो सकता है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो जाए आइडिया और वोडाफोन के लेकर। और कल भी हमने आपको जानकारी दी थी कि जो खबरें हैं वो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ी हैं और हो सकता है उसमें कुछ स्टेक सेल भी हो जाए। सॉफ्ट बैंक की खबर भी अब बाजार के साथ जुड़ रही है। मार्केट में आज डेरिवेटिव एक्सपायरी का असर भी होगा, बीएमसी चुनाव है। इसके अलावा ईयू से एक अच्छी खबर आई आईटी प्रोफेशनल्स के लिए और साथ ही बायोकॉन के लिए भी एक अच्छी खबर यहाँ पे आती हुई दिख रही है, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर की दवा को लेकर हाईकोर्ट का फैसला आया। तो काफ़ी सारा न्यूज़ फ्लो है। इस बीच जो संकेत है वो काफ़ी पॉजिटिव है। एफआईएस की तरफ से मामूली बिकवाली, कल रिलायंस बाजार को चला रहा था लेकिन एफआईएस का ज़्यादा पार्टिसिपेशन दिखा नहीं और डीएस 900 प्लस करोड़ रुपये की खरीदारी आती हुई दिखी है। नितिन सोनी इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करते हैं मिहिर। जी हाँ बिल्कुल, चलिए तो नितिन सोनी हमारे साथ जुड़े हैं फ्रॉम सिंगापुर फिच रेटिंग्स। मिस्टर सोनी शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। सो यू नो नाउ वी व्हाट रिलायंस हैज ट्रिगर्ड, उसमें एक के बाद एक वी आर सीइंग दैट द एमएनए एक्टिविटी इज पिकिंग अप और आज खबर आई है कि टेलीनॉर के इंडियन ऑपरेशंस को भारतीय एयरटेल खरीद रही है, ऑल द सेवन सर्कल्स वेयर दे ऑपरेट। आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या है? आई थिंक फर्स्टली जो रिलायंस जियो ने ऑफर अभी अनाउंस किया है 300 रुपीज फॉर 30 GB, आई थिंक इट्स अ गुड ऑफर फॉर द इंडस्ट्री बिकॉज दे आर प्रोटेक्टिंग देयर एवरेज रेवेन्यू पर यूजर। तो अभी इंडस्ट्री जो एवरेज रेवेन्यू पर यूजर है वो 200 रुपीज है एंड जियो इज आस्किंग फॉर 300 रुपीज विच इज अ गुड प्राइस फॉर इनकम्बेंट्स। So I think there is some rationality, some sense of coming back to the market and there is a pain in the short term, but I think over the medium term, we believe that there is some rationality will come back and pricing power will also come back to the market. And what's happening is the Reliance Jio's entry has accelerated the industry consolidation. So the Vodafone and Idea merger, which is in the process for which they have announced that they are talking to each other, and Arcom Aircel plus probably Tata also combining their operations with Arcom and Aircel. And now Telenor have also announced that they are exiting India and Airtel has acquired the spectrum assets of 1800 megahertz from Telenor India. So these are all positive moves because when industry structure improves, when you have three or four big good players with deep pockets and healthy balance sheet, the pricing power naturally comes back to these companies and it's good for the industry structure and good for the profitability of the telcos. Right. Also, Nitin, यू नो द सेकेंड पार्ट ऑफ इट इज, जैसे आपने कहा कि रिलायंस ने एक्चुअली जिस चीज़ की ज़रूरत थी इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री में उसे ट्रिगर किया है, यू नो द कंसोलिडेशन। अब इसमें बड़े बड़े प्लेयर्स, जैसे और एक खबर ये भी है कि आइडिया वोडाफोन कंबाइन में एक्चुअली सॉफ्ट बैंक में ऑल्सो मेक एन एंट्री एंड इवेंचुअली जो मर्ज्ड एंटिटी होगी उसमें 15-20% हिस्सेदारी सॉफ्ट बैंक के पास भी रह सकती है। सो आई थिंक वी आर लुकिंग एट अ सिनारियो जहाँ पे यू नो तीन या चार बड़े प्लेयर्स होंगे एट द मोस्ट और उन बड़े प्लेयर्स में देन आई मीन ऑब्वियसली ऑल ऑफ देम विल हैव लॉट ऑफ ड्राई पाउडर, लॉट ऑफ फायर पावर और उसी पे आई थिंक इंडस्ट्री का फ्यूचर डिसाइड होगा। आई थिंक एब्सोल्युटली इफ यू लुक एट एनी अदर मार्केट, यू लुक एट चाइना, फिलीपींस एंड हांगकांग, आई मीन एनी मार्केट कैन नॉट अफोर्ड मोर देन 3-4 टेलीकॉम कंपनीज। More than four companies, the smaller and weaker telecom companies always makes losses and their rate of return is always very low. India has been uniquely very competitive. We have seen 10 to 10 plus telecom companies operating in this industry and that's why the industry has been suffering. The smaller weaker telcos have realized that their business model is not viable at all now. And that's why they want to exit. And even with the entry of Jio, the stronger telcos, including Vodafone and Idea, have also realized that they need to combine together to compete now effectively with Jio, which has deep pockets, which has invested about $20 billion in this industry. So they need healthy balance sheet. Idea's balance sheet is very fragile right now.
their net debt to EBITDA is about more than 5 times. Right. All right, Nitin, thanks for joining us. Bahut bahut shukriya hamare sath is baatcheet mein shamil hone ke liye. Thanks for joining us. So finally, consolidation trigger ho sakta hai, lekin Nifty ne 9000 ka level pre-open mein hit kiya hai. To ek baar ke liye aapko pre-open mein to dikha diya. Ab din mein trade khulne ke baad dikhega ki nahi, wo alag baat hai. Aaj waise hi volatile session hoga kyunki expiry hai, settlement hai. Ha, ye zarur hai ki aap dekhiye kal jis tarah ka run up market ne dekha tha Reliance mein. तो FIS का डेटा आई वुड हैव बीन हैप्पी अगर वो थोड़ा और पॉजिटिव होता जिस तरह का डेटा है उसके कंपेयर में. तो ये आई थिंक एक फैक्टर है. लेकिन एक बार देख लेते हैं कि 10 स्टॉक आज के लिए कौन से हैं आज के वॉलेटाइल और हफ्ते के आखिरी सेशन में जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए. रजत हमारे साथ है. रजत बताइए. बिल्कुल, आईटी स्टॉक्स पे नजर रखें, खासतौर से मिड कैप कैटेगरी के स्टॉक्स में, क्योंकि ईयू भारतीय आईटी कर्मचारियों को ज्यादा से ज्यादा वीजा देने को तैयार हुआ है. आईटी कंपनियों के लिए फोकस बढ़ेगा जहां पर जिन कंपनियों का ईयू में कामकाज है. माइंड ट्री पे नजर रख सकते हैं आप. 490 का टारगेट है, 464 का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा. डेल्टा कॉप कल का स्ट्रॉन्ग मूवर था और चार ट्रेडिंग सेशन से स्टॉक की पॉजिटिव क्लोजिंग हुई है, आज भी तेज हो सकता है. टारगेट रखे 145 का, 135 का एक स्टॉप लॉस. IFCI सरकारी कंपनियों में रीस्ट्रक्चरिंग एक्सरसाइज तेज कर सकती है सरकार. IFCI क्लियर कट एक बेनिफिशियरी है. 33 का टारगेट, 28.5 का स्टॉप लॉस. टाटा मोटर्स DVR फोर्ड के साथ JV एक बहुत बड़ा ट्रिगर इस पर्टिकुलर कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है. टाटा मोटर्स खरीदते हैं तो 300 का टारगेट रखें, 275 का स्टॉप लॉस. आइडिया सेलुलर टेलीकॉम से जुड़ी खबरें अब तेज हो गई हैं, बस बहुत स्ट्रांग है और सॉफ्ट बैंक का हिस्सा लेने की योजना है आइडिया वोडाफोन के मर्जर के बाद. इस एंटिटी में 15 से 20% का एक पॉजिटिव खबर ड्राइव कर सकती है आइडिया को आज भी. 116 का टारगेट, 111 का स्टॉप लॉस. एमटेक ऑटो अहम बोर्ड बैठक है आज और शेयर जारी कर रकम जुटाने पर बोर्ड विचार करेगा आज. टारगेट रहेगा एमटेक ऑटो पे 37.1 का. बायोकॉन पे जरूर नजर रखें क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट ने रॉश के खिलाफ फैसला सुनाया है. बायोकॉन माइलन रिलायंस लाइफ साइंसेज के पक्ष में फैसला आया है. 1180 का टारगेट है, 1100 का एक स्टॉप लॉस फॉलो करें. एक्सपायरी का दिन है आज. बाटा में शॉर्ट कवरिंग ड्यू है. ट्रेडर्स मानते हैं कि इसमें तेजी बन सकती है क्योंकि 5 ट्रेडिंग सेशन में 3.5% स्टॉक ऑलरेडी उछल चुका है, लेकिन आज एक्सपायरी के दिन भी चढ़ सकता है. 525 का टारगेट, 495 का स्टॉप लॉस. एशियन पेंट्स सीरीज के उच्चतम स्तर पे है ये स्टॉक, तेजी बढ़ रही है, इसको अब 1045 के टारगेट्स के लिए प्ले कर सकते हैं. 1008 का एक स्टॉप लॉस फॉलो करना. अगर आखिरी स्टॉक रहेगा HDIL, यहां पर भी एक्सपायरी का ही ट्रिगर है. शॉर्ट कवरिंग ड्यू है स्टॉक में. 69 का टारगेट, 64.5 का स्टॉप लॉस HDIL पे आज के लिए. बिल्कुल शुक्रिया 10 के 10 शेयर बताने के लिए. उसमें कुछ रियल एस्टेट के शेयर भी शामिल है और टेलीकॉम के शेयर भी है. एक बार टेलीकॉम का इंडिकेटिव प्राइस देख लेते हैं जिन पे खबर आने वाली है और एक पे खबर आ गई. भारतीय एयरटेल करीब 2 से 2.5% बढ़कर खुल रहा है और एक करीब 270 के ऊपर है. 115 के ऊपर आइडिया खुलेगा आज, ये भी करीब 2%. थोड़ी देर पहले इंडिकेटिव में करीब 9% ऊपर था. रिलायंस कम्युनिकेशन ये देखिए, ये भी करीब 0.25% की बढ़त के साथ खुलता हुआ दिख रहा है. तो आज फिर से कह सकते हैं कि फ्लेवर टेलीकॉम कंपनीज का रहेगा. लेकिन कल का स्टार परफॉर्मर रिलायंस इंडस्ट्रीज आज फिर से गैप अप ओपनिंग कर रहा है. करीब 1211 की ये ओपनिंग होगी. हालांकि कल के मुकाबले आज की ओपनिंग थोड़ी फीकी है, लेकिन फिर भी ये बढ़त के साथ खुल रहा है, 1200 के लेवल को होल्ड कर रहा है. ये भी बाजार के लिए काफ़ी अच्छी बात है जो इंडिकेटिव प्राइस में हमको अब तक दिख रहा है. और आप अगर आप रुपए की ओपनिंग भी देखेंगे तो आज फ्लैट ही है. कुछ ज़्यादा बड़ा मोमेंटम तो रुपए के अंदर नहीं मिल रहा है, लेकिन हाँ जो न्यूज़ फ्लो है उसके हिसाब से ऐसा लग रहा है कि आज का फ्लेवर एक एक शेयर मिहिर हमने देखा है कि बाजार को चला रहा है. आज हो सकता है टेलीकॉम के दो बड़े प्लेयर आइडिया और भारतीय टेल ये बाजार को 9000 के दहलीज तक तो जरूर लेके आ सकते हैं. इस बीच हरी हमारे साथ जुड़े हैं. हरी, आप ये जो आज अभी खबर आई है और जिस हिसाब से प्ले हो रहा है आइडिया पे, आप ऑलरेडी एक कमेंट दे चुके हैं, लेकिन जो और प्लेयर है जहाँ पे कंसोलिडेशन दिख रहा है उसमें आरकॉम भी है, कुछ एक नए प्लेयर और भी आना चाहते हैं, आपके रिकमेंडेशन क्या है? पूरे सेगमेंट में एक ही कंपनी में को चुनना हो तो कौन सी कंपनी होनी चाहिए? देखिए, फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म अभी आप इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से कह रहे हैं तो मुझे तो भारती बहुत अच्छा लग रहा है. आई थिंक खास करके जो आज टेलीनॉर की बात चल रही है, आई थिंक एट दिस प्राइस भारती मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है. यदि आप एक एक शॉर्ट टू मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं तो एज अ ट्रेड मुझे लगता है कि रिलायंस कम्युनिकेशन और आरकॉम एट दिस प्राइस शुड बी मच बेटर बेट इन द टेलीकॉम स्पेस. चलिए, इस बीच आशीष केलकर भी हमारे साथ हैं, अविनाश हमारे साथ बने हुए हैं और मानस हमारे साथ मौजूद हैं. आशीष, क्विकली आज के लिए आप एक ट्रेडिंग व्यू अगर लेना हो, हालांकि सेटलमेंट है तो एक्सपायरी है, तो बिटवीन निफ्टी एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज आप कैसे बैलेंस करेंगे? चलिए, शायद उन तक आवाज़ नहीं पहुंच रही है. मानस, आप क्या करेंगे? देखिए, निफ्टी में तो नो डाउट मैं अभी भी समझता हूँ कि पॉजिटिव रहना चाहिए. ज़रूर 2016 के हाईज के आसपास कल हमें थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला
बट आप उम्मीद करिए कि पैटर्न को देख के 2015 के हाईस की तरफ निपटी जा सकता है जो कि 9100 के आसपास है। तो बिल्कुल यहाँ पर हर गिरावट पे खरीदारी करें जब तक निफ्टी 8850 के लेवल्स के ऊपर ट्रेड कर रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज की जहाँ तक बात है, ऑलरेडी हमने एक बहुत बड़ा अपमूव देख लिया, तो अब यहाँ पर खरीदारी करने या ट्रेडिंग के लिए खरीदारी करने की सलाह नहीं रहेगी। मैं समझता हूँ गिरावट जब मिले और स्टॉक 1180 और 1160 की रेंज में आए तो वहाँ पर खरीदारी करें, अपने स्टॉप लॉसेस 1080 के नीचे लगाएं। नो डाउट एक बहुत ही क्लियर ब्रेकआउट है और जिसके टारगेट कहीं ना कहीं 1450 के आसपास आते हैं। टाइम फ्रेम बड़ा रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रिटर्न्स मिलेंगे, तो गिरावट पर खरीदारी करने की सलाह रहेगी।